नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तबर। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। तेजस्वी यादव से दूरियां और बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश की नजदीकियां आखिर क्या कहती है। दरअसल बिहार में इन दिनों उथल पुथल मचा हुआ है। इन सब के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी के साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई वो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक समय था जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर लगातार तंज कसते रहते थे। नीतीश कुमार भी जब मौका मिले मांझी पर कुछ ना कुछ बयान देते रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वहीं जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार जिस तरीके से मुलाकात करते हैं वहीं चर्चा का विषय बन जाती है। और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के कानों में क्या कुछ कहते हैं ये सवाल बरकरार है कि आखिर क्या हुआ इन दोनों के बीच, कौन सी बातचीत हुई, क्या इस मुलाकात के कोई मायने निकाले जाने चाहिए। आपको बता दें कि ये तस्वीर जो है वो राजभवन की तस्वीर है जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। लेकिन ये तस्वीर चर्चा का विषय तब बनी रही जब यहां पर बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश कुमार की जो नजदीकियां हैं वो काफी नजर आई। जिसके साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी के साथ भी नीतीश कुमार ने जिस सहज भाव से मुलाकात की, ऐसे में वो संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि यहाँ पर दो दिल मिल गए हैं। वो विचारधारा जो कभी अलग हो रही थी वो विचारधारा यहाँ पर आकर मिलती है। जीतन राम मांझी ने खुद ही बताया है कि क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने उनके कानों में, सुनिए। आप तो आए बड़ी अच्छे माहौल दिखे, नीतीश जी के साथ मुलाकात भी हुई, क्या बात हुई? बात हुई, हालचाल पूछे, हालचाल हुआ, हम कहा कि बहुत अच्छा हालचाल है। सबकी नजर आप पे ही है, वो महागठबंधन हो एनडीए हो, मांझी जी की पूछ बहुत है आज बहुत है। चलिए हम सौभाग्यशाली हैं। कहा जा रहा है कि आपको उधर से भी फोन आया है, डिप्टी सीएम पोस्ट ऑफर दिया जा रहा है आपको? नहीं, हम तो आपके लड़के को, हम तो कह रहे हैं हमारे लड़के को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। राज्यसभा अगर पाली जी भेजेगी तो जाएंगे, क्योंकि इधर तो बहुत कुछ है बीजेपी में आपके लिए कहा जा रहा है। देखिये, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आज आपको लगा ना कि आपको क्या लगा गठबंधन टूट गया क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री नहीं आए? हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़ जाएगा। तो क्या खेला हो गया जो आपने ट्वीट किया था, खेला हो गया? कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका हालचाल उन्होंने पूछा है। हालांकि राजनीति में हालचाल भी पूछ रहे हैं और जिस भाव से पूछ रहे हैं उस भाव के अपने मायने होते हैं। और अब जब ये लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है कि नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है, अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीतीश ने इसी बात की टेंशन दे रखी है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार जिस तरीके से जीतन राम मांझी से मुलाकात करते हैं, ऐसे में ये संकेत साफ तौर पर नजर आता है कि शायद बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है। इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आई राजभवन से ही, जब तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि किन वजहों से नहीं पहुंचे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब तेजस्वी वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता हैं, अशोक चौधरी तेजस्वी यादव की सीट पर जो लेबल लगा है तेजस्वी के नाम का उसको हटा देते हैं और फिर वहां पर वो बैठते हैं। मतलब तेजस्वी का पोजीशन अशोक चौधरी वहां पर लेते नजर आते हैं। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी के बीच में खटपट साफ तौर पर दिख रही है, यानी कि जो खिचड़ी है राजनीतिक तौर पर वो पकनी शुरू हो गई है। और 48 घंटे में कोई बड़ा खेला अगर हो जाए तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।